हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल की शर्मनाक घटना आज अखबार में आई है, जिसमें कि चार छात्रों ने मिलकर एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया और गलत कार्य किया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है और क्वेश्चन मार्क लगाती है ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों पर कि क्या हम उन पर आँख मूंद कर भरोसा करें या अपना दिमाग लगाएँ। आज इसी बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि अपने बच्चों को घर से बाहर किसी दूसरे शहर में भेजते समय या हॉस्टल में एडमिशन कराते समय या किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन कराते समय आपको क्या ऐसे प्रिकॉशन रखने चाहिए और किस तरह से उनकी सुरक्षा आपको करनी चाहिए और ऐसे क्या ज्योतिषीय उपाय करें जिससे किसी प्रकार के संकट के बादल उन पर ना मंडरा सकें। आज इसी क्रम में आपको बताऊंगी। और आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब किया ही होगा मित्रों, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं मैं उनको यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए आप, और इसके बहुत से बेनिफिट हैं आपको। आपको आने वाले जो टाइम है इसमें मैं आपको ज्योतिष और वास्तु संबंधी जानकारी तो दूंगी ही, लेकिन विशेष बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कि आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, आपके जीवन में शुभता बढ़ा सकती है, आपको प्रॉस्पेरिटी दिला सकती है, आपको तरक्की दिला सकती है। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और इसको आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको ये विनम्र मेरा निवेदन है कि ज्योतिषीय परामर्श निशुल्क फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है। ज्योतिषीय परामर्श चार्जेबल होता है क्योंकि वैसे भी बिना दक्षिणा के कुंडली दिखानी भी नहीं चाहिए, उससे आप ही को दोष लगता है, तो मैं नहीं चाहती आपको किसी प्रकार का कोई दोष लगे। जब आप अपने जीवन में मौज शौक के ऊपर अपने अन्य चीज़ों पर भी बहुत से पैसे खर्च करते हैं, आजकल सिनेमा भी देखने जाते हैं तो 1,000, 2,000, 3,000 से कम उस पर खर्च नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड हो सकती है, जिससे आने वाले समय में आप अनेक प्रकार के संकटों से बच सकते हैं, तो फिर उसमें कंजूसी क्यों? क्यों आप ज्योतिषी को पूरा उसका पेमेंट नहीं करते हैं? क्यों इससे कतराते हैं और क्यों आपके मन में ये बात आती है कि आपको फ्री में ही सब कुछ पता चल जाए? हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन ये बिल्कुल अटल सत्य है, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा काम करते हैं आपकी भलाई के लिए, नए नए रिसर्च करते हैं, उसके बाद भी आप उनकी जो योग्यता है उसका उपहास करते हैं यदि आप निशुल्क ये सब जानना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप परामर्श को समझें। मैंने भी अपनी मेल आईडी दे रखी होती है डिस्क्रिप्शन में, आप मेल आईडी देखिए, उस मेल के थ्रू आप अपने ज्योतिषीय परामर्श आप ले सकते हैं। जिनकी कुंडली जो नहीं चाहते हैं, मतलब उनके पास टाइम वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, फ़ोटो से भी उनको काफ़ी कुछ उपाय बताए जा सकते हैं जिससे कि उनके आने वाले जीवन की मुसीबतें कम हो सके। स्पेशली बच्चों की कुंडली जब आप जैसे किसी शहर से बाहर उनको भेज रहे हैं तो आपको उनकी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए। लड़कियों की कुंडली से आने वाले टाइम में कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसे योग तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में बने हुए होते हैं। यदि आपने टाइमली उनकी कुंडली दिखा दी होती है ऐसे पेरेंट ने जिनके साथ जिनके बच्चों के साथ में कुछ गलत हुआ है, तो वो उस तरह की समस्या से बच सकते थे। लेकिन क्योंकि ये नियति बड़ी बलवती होती है और जो लिखा होता है वो होकर रहता है, तो वैसे ही व्यक्ति की मानसिकता बन जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। आप बच्चों की भलाई के लिए, घर की भलाई के लिए, अगर ज्योतिष में आप विश्वास नहीं भी करते हैं तो मेरा तो यही कहना है आपको कि इसमें विश्वास करके देखिए, आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। पिछले दिनों हमने एक लड़के का इलाज किया था और उस लड़के का इलाज हमने एक्यूप्रेशर और रेकी हीलिंग के ज़रिए किया था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पेरेंट ने जब उसको अपने घर से बाहर भेजा तो वो किसी नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में आ गया, और उस नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वो विक्षिप्त हो गया, और इवन उसको पागल खाने में भी एडमिट कराना पड़ा पेरेंट को। हालांकि हमने उनको मना किया था कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि माँ बाप होते हैं और माँ बाप का हृदय बहुत ही कोमल होता है, बच्चे को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उन्होंने वही किया और उसके बाद भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद जब रेकी हीलिंग कराई गई और उसकी कुंडली की भी जाँच हमने की और बहुत से उपाय बताए, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। पढ़ाई में अच्छा होने वाला बच्चा पढ़ाई में बहुत पिछड़ गया और एक स्थिति ऐसी आई कि उसकी पढ़ाई बंद करने तक की नौबत आ गई। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चों के मामले में कंजूसी मत बरतिए। बच्चे हैं तो सब कुछ है। बच्चों को पुष्पित और पल्लवित होते हुए देखिए, उनके जीवन के हर संकट को दूर करिए। और जिन बच्चों की पढ़ाई में आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, 2,000, 4,000, 5,000 कोई मायने नहीं रखते, अगर उनके कुंडली दिखाकर उन उपायों से उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है तो।
तो ये तो है परामर्श की बात, और प्लीज़ आप अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह मत भेजिए क्योंकि आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और मैं नहीं चाहती आपको निराशा हाथ लगे क्योंकि इसके जवाब नहीं दिए जाएंगे। मैं बहुत ही शीघ्र वैसे ये प्रोसीजर भी स्टार्ट करूँगी जिसमें कि महीने में हम सेलेक्ट करेंगे एक या दो लोगों को जिनकी कुंडली का परामर्श हम फ्री में देंगे। तो लेकिन वो आने वाले वीडियो में मैं ऐसी भविष्यवाणी कर सकती हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब निःशुल्क परामर्श आपको मिल सकता है। अब मैं आती हूँ मूल टॉपिक पर, जो कि है हॉस्टल लाइफ। आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, बच्चा किराए के कमरा लेके रहता है या कहीं बोर्डिंग स्कूल में रहता है, तो ऐसे क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने बच्चे को बच्चे के साथ में जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनका एक पिक्चर जरूर रखना चाहिए। आजकल जो भौतिकवादी दृष्टिकोण लोगों का होता जा रहा है, पूजा पाठ की लोग उपहास करते हैं, तो ऐसे लोग ही फिर ऐसी सजा को भुगतते हैं। कई बार पूजा पाठ करने वाले भी भुगतते हैं लेकिन उसमें उनकी नेगेटिविटी ही होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है घर में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, घर में ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे बच्चे शर्मसार हों, क्योंकि बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। जो बच्चे इस तरह के गलत आचरण करते हैं कि लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया, निश्चित रूप से उनको ये संस्कार नहीं दिए गए, संस्कारों में कहीं तो कमी रही है। तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, बच्चों के सामने कोई भी अश्लील बद्दी गिरी हुई बात ना करें। बच्चे के लिए उसके माँ बाप बहुत उसके आइडियल होते हैं। आप अगर घर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो उसका भी बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को संस्कारी बनाइए, घर में पूजा पाठ का धार्मिक और आस्थावान माहौल बना के रखिए, और आप भी अपने आचरण में ऐसी कोई भी गिरी हुई बात नहीं रखें जिससे कि आपके बच्चों को लगे कि माँ बाप जो करते हैं वैसा ही वह भी करें। घर में हमेशा अच्छे संस्कार और अच्छी बातों को स्थान देवें। घर में शराब है, मांसाहार है, इनसे कोसों दूर रहिए और शाकाहार को अपनाइए, और सात्विक और जिसको बोलते हैं भगवान के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण बनाए रखिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे की अगर आपने कुंडली की जांच कराई है तो उसकी लग्न को स्ट्रांग कीजिए। लग्न को स्ट्रांग करने से व्यक्ति ईमानदार बनता है, अपने उसूलों का पक्का बनता है, सही ट्रैक पर चलने वाला बनता है, आत्मविश्वासी बनता है। और कोई भी बच्चा जब घर से दूर रहता है तो उसका आत्मविश्वासी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को आत्मविश्वासी बनाने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना उसको सिखाइए, आदित्य हृदय स्रोत का बच्चा पाठ करे ये उसको बताइए, सरस्वती माँ की पूजा करना उसको सिखाइए, हर स्त्री वर्ग का उसको सम्मान करना सिखाइए। और ऐसा तभी होगा जब घर में आप देवी माँ की पूजा करेंगे, सूर्य देव की स्वयं पूजा करेंगे, तभी ये संभव होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों का सुरक्षा चक्र भी बना सकते हैं जब वो घर से बाहर जाएं, और सुरक्षा चक्र भी उनकी रक्षा करता है। इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा चक्र बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं सुरक्षा चक्र पर, और वैसा ही सुरक्षा चक्र बच्चे के साथ में आप जब बच्चा घर से बाहर जाए तो बना सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे के लकी कलर हैं उसको स्थान दीजिए। लकी कलर बच्चा पहनेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और इसके लिए कुंडली की जांच कराना बेहद आवश्यक है। बिना कुंडली की जांच किए लकी कलर बताना संभव नहीं होगा। इसके अलावा बच्चे के साथ में अपने पितरों को भी नमस्कार कीजिए कि पितृदेव बच्चे की रक्षा करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपके पीहर के पितर का एक दायरा होता है और ससुराल के पितरों का एक अलग दायरा होता है। तो मैं शीघ्र ही इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें बताऊँगी कि पितरों के जो क्या क्या लिमिटेशन होती है और किस तरह से पितृदेव वर्क करते हैं। बच्चों को जब भी आप घर से बाहर भेजें तो हॉस्टल का वो कमरा भी चेक कर लें कि उस कमरे में कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है पहले, क्योंकि अगर वहाँ कोई दुर्घटना किसी किस्म की हुई है तो वो कमरा भी नेगेटिविटी से क्रिएट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं ये नहीं कहती कि उस कमरे को काम में ना ले लें, क्योंकि हॉस्टल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, जो अलाट हो जाता है वो मिल जाता है कमरा। लेकिन हॉस्टल में उस कमरे की शुद्धि करानी जरूर आवश्यक है, और शुद्धि के रूप में आप धूनी वगैरह उस कमरे में देकर उसको पवित्र और शुद्ध करवा सकते हैं। बच्चे को कुछ ऐसी सामग्री दे सकते हैं जो प्रतिदिन, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक लैंप भी आता है और इलेक्ट्रिक जैसे सॉल्ट लैंप भी आता है जो कि मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं या कहीं से भी आप ले सकते हैं। उससे भी नकारात्मक एनर्जी खत्म होती है, और बच्चों के हॉस्टल रूम में आपको सॉल्ट लैंप तो जरूर रखना चाहिए अगर वहाँ परमिशन देते हो, तो परमिशन नहीं देते तो ये अलग बात है और इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि वहाँ क्या रूल रेगुलेशन है हर हॉस्टल के, ये इसकी जानकारी मैं कैसे बता सकती हूँ आपको। हर एक के रूल रेगुलेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बच्चा यदि कमरा लेकर रहता है किसी किराए के मकान में या एज ए पीजी, तो वहाँ पर आप सॉल्ट लैंप वगैरह रखें, और एक धूनी स्पेशल होती है जिसको जलाकर नकारात्मक एनर्जी को भगाया जा सकता है, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वो धूनी आप घर पर भी लगा सकते हैं और अपने बच्चे के जो जहाँ रहता है वहाँ भी लगा सकते हैं।
इसके अलावा कपूर की टिकिया तो सिंपल आप जला ही सकते हैं, वो भी आप ज़रूर जलाएं कपूर की टिकिया, बच्चे को दे दें तो जैसे कि कपूर की टिकिया जब वो दिया वगैरह लगाता है, छोटा सा एक आला बनाए कमरे में, किसी भी इष्ट देव या भगवान को स्थापित करें वहाँ पर और उनके आगे दीपक लगाकर कपूर की धुनी लें, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बच्चा अगर किराए के मकान में रह रहा है, पीजी बन के रह रहा है, कहीं एज ए पीजी रह रहा है, तो वो जो एड्रेस है वो भी उसका उसका फेवरेबल होना चाहिए। बच्चे का जो बर्थ नंबर है उसका एंटी नंबर अगर आपने दिला दिया बच्चे को, तो बच्चा कैरियर बनाने के लिए शहर घर छोड़ के दूर गया है, तो वो कैरियर भी उसका प्रभावित हो सकता है, हो सकता है उसको अपेक्षित सफलता ना मिले। तो बच्चा पूर्ण रूप से सफल हो सके इसके लिए छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। जिस घर में वो पीजी बन के रह रहा है उस घर में कैसे लोग हैं, उनके वो संस्कारी हैं कि नहीं, उस घर में कोई अश्लील हरकतें करने वाले लोग तो नहीं रहते, भद्दे लोग तो नहीं रहते, इस चीज़ की भी पूरी जांच आपको करनी आवश्यक है। और किसी की बातों के जाल में ना फंसें, क्योंकि लोग बातें किस तरह की करते हैं और होते किस तरह के हैं ये ऐसी घटनाएं ही बताती हैं कि व्यक्ति धोखा खा सकता है। तो ये सारी चीज़ें से बचें आप, और जहां आपने बच्चे को कमरा दिलाया है अचानक से वहां पहुंचें, पहले से ना बता के पहुंचें, अचानक पहुंचेंगे तो वहां कुछ गलत भी हो रहा होगा तो आपको पता चलेगा। बच्चे को कभी भी सूचना ना दें कि हम इस दिन आ रहे हैं उस दिन आ रहे हैं, अचानक से वहां पहुंचकर इसकी जांच कीजिए, तभी आप हर चीज़ की तह तक पहुंच सकते हैं। और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि हर बच्चा बेहतर नागरिक बन सके, जब हर बच्चा बेहतर बनेगा तो हमारा देश तो अच्छा बनेगा ही। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।